10% आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष दीनू बंजारा ने बताया कि चुनाव से पहले घुमंतु जाति के लोगों को बीपीएल से जोड़ा जाने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में घुमंतु जाति के करीब 80 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में 15-20 साल से रह रहे लोगों को वहीं पर स्थापित कर पट्टे जारी किए जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में घुमंतु और घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ के नेतृत्व में राजस्थान के सारे मुख्यालयों पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें यूँ है कि इसमें टोटल 32 जातियाँ हैं घुमंतु जातियों में। इसमें राजस्थान में पूरे 85 से 90 लाख लोग निवास करते हैं। इसमें हमारी मांगें ये हैं कि इन्होंने चुनाव इसमें कहा था कि घुमंतु जातियों के लोगों को सबको बीपीएल से जोड़ा जाएगा, और हमारी ये मांग भी है इनसे कि जो लोग 15 से 20 साल एक जगह निवास कर रहे हैं उनको उसी जगह स्थापित कर पट्टे जारी किए जाए, और हमें कर्नाटक महाराष्ट्र उसमें 10% आरक्षण दिया जाए।